हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है एक SMF बैटरी, जिसको हम सूखी बैटरी भी बोलते हैं, उसके बारे में। आपने दोस्तों बहुत सी वीडियो देखी होगी कि सूखी बैटरी, इस तरह की SMF बैटरी, कि इसको डेड को हम कैसे चार्ज करके फिर से काम में ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा इसमें कुछ भी नहीं, एक बार अगर यह डेड हो जाए तो यह चार्ज नहीं होती। लेकिन अभी आज जो बैटरी है हमारे पास, इसमें कंडीशन क्या है कि यह वजन करने वाले कांटे में लगी हुई थी और 3 महीने में ही ये डेड हो गई। डेड नहीं बोलेंगे हम इसमें, ये देखें ये इसके वोल्टेज है वो 5 रह गए। तो इसको हम चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इसकी जो लाइफ है वो अभी 3 महीने ही है और दूसरा ये कि इसमें वोल्टेज है, अभी यह सही चल सकती है। ये 6 वोल्ट की है, 12 की भी हो कोई बात नहीं, SMF हो। तो इसमें ये देखें थोड़ा सा भी करंट है, जो कि बल्ब से हमने चेक किया है, 6 वोल्ट के बल्ब से। और चेक करने के बाद ये देखें वोल्टेज 4.8 रह गए। तो अगर हम इसको सीधे चार्ज लगाएंगे, मेरे पास अभी 12 वोल्ट जो बैटरी है बड़े इन्वर्टर की, उसको चार्ज करने के लिए ये वाला चार्जर है जो मैंने इस पर लगाया, और हमने इसको दी है 10.5 वोल्ट के करीब, देख सकते हो आप। अगर यह सही होती तो यह वोल्टेज 10 रह सॉरी 6 रह जाने थे या 7। तो अभी यह वोल्टेज अभी दिखा देते हैं, क्योंकि हमने इसको जो वोल्टेज ज़्यादा दिए, अभी इसके 6 वोल्टेज हो गए हैं, लेकिन ये वोल्टेज कम हो रहे हैं। पर जो 6 वोल्टेज का बल्ब है, ये थोड़ा सा पहले से अभी इसकी जो रोशनी है वो तेज़ हुई है, पर यह पूर्ण चार्ज नहीं होगी। इसके पीछे का कारण क्या है, ये क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो गई, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर एक कवर लगा होता है जो शील्ड किया जाता है हीट से, वो निकालेंगे। उसके बाद जो रबड़ के कैप है इसके, वो निकालेंगे। और आपको साथ में एक वाइट सा दिख रहा है, ये एक ख़ास किस्म का पेपर होता है जो कि एसिड से ख़राब नहीं होता। तो इसमें हम अभी एसिड डालेंगे, 1200 ग्रेविटी है। यह जो हमारी इन्वर्टर की बैटरी होती है लेड एसिड, उसमें से निकाला गया एसिड है, जिसकी के ग्रेविटी आप देख सकते हो 1200 है। तो ये हम इसमें डालेंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने जो पेपर दिखाया वाइट सा, वो इसके अंदर प्लेटों के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट है उसके बीच लगाया जाता है। एक तो ये सेपरेटर का काम करता है, दूसरा ये पूरा गीला रहता है ताकि करंट इसमें से पास होता रहे। और ये जो एसिड है ये इसका सूख गया है, तो इसके लिए हम ये देसी जुगाड़ कर रहे हैं। एक इसमें 3 सेल है, 6 वोल्ट वाली बैटरी है, तो एक सेल में हम तकरीबन 10 ml डाल देंगे बैटरी वाला एसिड, ताकि जो पेपर है इसका, जो भी मैंने आपको दिखाया बाहर था सूख चुका है, वो गीला हो जाए और करंट पास होने लगे। उसके बाद तकरीबन इस तरह का पेपर होता है, ये देखिए सूखा हुआ है, कोई भी सूखी चीज़ में करंट पास नहीं होता, तो यही कारण इस बैटरी के साथ हुआ है। पर अगर यह किसी अच्छी कंपनी की होती तो इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होता। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, जल्दी बैटरी ख़राब हो जाती है 2-3 महीने, उसमें थोड़ा बहुत करंट है, बैटरी फूली हुई ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना आपने कि बैटरी फूली हुई ना हो। तो उसके बाद हम इसको लगा देते हैं चार्ज।
तकरीबन आधा घंटा इसमें एसिड डालने के बाद हम चार्ज लगाएंगे ताकि जो पेपर है वो पूरा गीला हो सके, उसके बाद हम चार्ज लगाते हैं। और अभी चार्जिंग जो है बिल्कुल सुई जो वहाँ की वहाँ है, लेकिन जहाँ पर यह देखें शायद आपको दिख रहा हो कि जो एसिड है वो भाप बनकर स्टीम बनकर बाहर निकल रहा है। तीनों सिलों में जो उसमें से स्टीम बनकर बाहर निकल रही है एसिड के कारण। और अगर हम इसको 5 या 10 मिनट लगाएंगे तो जो एम्पेयर मीटर की सुई है वो बिल्कुल उठ नहीं रही थी, ये देखें अभी 10 पर जा रही है। तो अभी हम इसको इस चार्ज से उतार देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्पेयर है। एक तो यह 12 वोल्ट बैटरी वाला चार्जर है तो इससे हमारी बैटरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारी जो बैटरी है वो चालू हो चुकी है लेकिन इसको अभी चार्ज लगाना बाकी है। चार्ज हम कैसे लगाएंगे? कंटिन्यू चार्ज लगाने के लिए हम इसको एक तो उसके वोल्टेज कम करेंगे चार्जर के, जो कि 12 थे वो 12 की जगह 7.5 दिए, लेकिन ये भी 7.5 है इसमें एम्पेयर ज़्यादा है। एम्पेयर कम करने के लिए जो गाड़ियों में हेडलाइट में हैलोजन ट्यूब लगी होती है वो ले लें एक, और उसको बैटरी और चार्जर दोनों के बीच लगा दें, सिरज में लगा दें। उससे क्या होगा कि बैटरी को जितने एम्पेयर चाहिए, जितना करंट चाहिए वो उतना ही लेगा, बाकी जितना बैटरी को करंट नहीं चाहिए उससे ये बल्ब जलेगा। अगर आप इससे वोल्टेज ज़्यादा भी कर दोगे आपके चार्जर से तो जो बल्ब है वो तेज़ हो जाएगा रोशनी उसकी, पर जो बैटरी को करंट उतना ही मिलेगा जितना उसको चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एम्पेयर मीटर से कि कितना करंट अभी बैटरी ले रही है, ये देखें 0.9, एक एम्पेयर से भी कम, 900 मिली एम्पेयर। तो इस हिसाब से हम इसको आधा घंटा या पौना घंटा बैटरी को चार्ज लगातार लगाएंगे, इससे जो हमारी बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाएगी। लेकिन कंडीशन यही है कि आपकी बैटरी फूली हुई ना हो, 2 या 3 साल पुरानी ना हो, जैसे अभी यह सिर्फ 3 या 4 महीने हुए हैं इसको बैटरी को लाई तो ये ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी यह सही हो गई है। अभी इसका बैकअप भी पूरा होगा और जो करंट और वोल्टेज है वो भी इसमें पूरे हो गए होंगे, तो ही बैकअप आएगा अगर इसमें करंट और वोल्टेज पूरे हों तो, क्योंकि अभी अभी हमने ये उतारी है चार्जर से तो वोल्टेज इसमें यानी 7 तक जा चुके हैं, क्योंकि इनपुट वोल्टेज हमने 7.5 से ऊपर दी थी। तो एक बार हम वही जो 6 वोल्टेज का बल्ब है वो जलाएंगे और आपको खुद पता चलेगा कि पहले रोशनी कितनी थी और अभी रोशनी इसकी कितनी है। बाकी वोल्टेज मैंने आपको दिखा दिए हैं मीटर पर कि कितने वोल्टेज हैं और रोशनी भी आप देख सकते हो। आपने दोस्तों बहुत वीडियो देखी होंगी YouTube पर कि किस तरह से आपको दिखाया जाता है कि ये एक पुरानी SM सूखी बैटरी ख़राब नहीं होती, पर अगर ज़्यादा पुरानी है वो ख़राब होगी ही होगी, क्योंकि हर एक बैटरी के साइकिल होते हैं 500, 700, 1000 कंपनी के हिसाब से। जब वो उतने साइकिल पूरे कर लेती है तो उसके बाद वो बैटरी ख़राब होनी ही होनी है, यह पक्का है। तो मैंने वीडियो बनाकर आपको बताने की कोशिश की है कि कितनी बैटरी अगर पुरानी हो और कितनी नई हो उस हिसाब से ये चलती है, चार्ज करके आप चला सकते हो। तो वीडियो मैंने कोशिश की है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगे डिसलाइक कर देना। पर कई दोस्त ऐसे भी हैं कि वो बगैर वीडियो देखे ही वीडियो ओपन की और डिसलाइक, ये भी पक्का है। तो कोई बात नहीं,
उनका काम है, उनको करने दो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।